आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर माह में होना निश्चित है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, और इसलिए मैं आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास नाइन्थ के जितने भी छात्र 2022 और 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ, अब सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और आप साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने तमाम मित्रों में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और यह प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। का विश्व का मानचित्र और खा भारत का मानचित्र आपको भरना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, और दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसको जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी के साथ अच्छे से बांध देना है। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो खंड आ में, यहां पर आप देख लीजिए, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, और यह जो मॉडल पेपर है मैंने लिया है राजीव प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक से। इसका सारा श्रेय राजीव प्रकाशन को जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर प्रश्न है कुछ इस तरीके के पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 अंक के होंगे। और चलिए मैं आपको इन 20 प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूंगा। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा कब पूरा किया। पहला विकल्प 1799 में, दूसरा विकल्प 1791 में, तीसरा विकल्प 1790 में, और चौथा विकल्प 1781 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा कब पूरा किया, इसका राइट आंसर होगा 1791 में। दूसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता है। पहला विकल्प है वह जिसे वोट देने का अधिकार था, दूसरा विकल्प है वह जिसने लड़ाई में भाग लिया था, तीसरा विकल्प है वह जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था, राइट आंसर है वह जिसे वोट देने का अधिकार था। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ लॉ का लेखक कौन है। यहां पर पहला है विकल्प जॉन लॉक, दूसरा है रूसो, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू, और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। और अगला प्रश्न है यहां पर, चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। पहला विकल्प है 12 गुना, दूसरा विकल्प है 4 गुना, तीसरा है 3 गुना, और चौथा है 7 गुना। तो चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 गुना, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहला है मालवी और श्रीलंका, दूसरा है श्रीलंका और पाकिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चौथा विकल्प है बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पहला ही विकल्प सही है, मालवी और श्रीलंका। प्रश्न संख्या 6 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, केरल, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। अगला है प्रश्न संख्या 7, फ्रांसीसी समाजवादी था। यहां पर पहला विकल्प है कार्ल मार्क्स, दूसरा विकल्प है फ्रेडरिक एगल्स, तीसरा है रॉबर्ट ओवन,
चौथा है लुइस ब्लांक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रांसीसी समाजवादी कौन था, लुइस ब्लांक था। अगला है प्रश्न, ग्रीन्स किसे कहा जाता था, यानी ग्रीन्स किसे कहा जाता था। तो पहला विकल्प है बोल्शेविको को, दूसरा है प्रोफेसर जारिस्टस को, तीसरा है समाजवादी क्रांतिकारी को, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समाजवादी क्रांतिकारी को ग्रीन्स कहा जाता था। अगला है प्रश्न, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं क्यों, महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, यह भी सही है। उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है, यह भी सही है। उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, यह भी सही है। क्योंकि आधुनिक युग में ये सारे कथन गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, यहां पर प्रश्न संख्या 10, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्रक कौन सा है, कृषि, विनिर्माण, सूचना तकनीक या बायोटेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कृषि, पहला ही विकल्प सही है। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, और यदि आप 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। यहां पर प्रश्न संख्या 11 है, डॉक्टर गिलोटन वह व्यक्ति था जिसने का आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया, गिलोटिन का, तोप का, बारूद का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर गिलोटन वह व्यक्ति था जिसने गिलोटिन का आविष्कार किया, राइट आंसर है पहला विकल्प। अगला है फ्रांसीसी समाजवादी था, यह प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर क्या है, लुइस ब्लांक। और इसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान कौन सा है, चौथा है, दूसरा है, पहला है या तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान कैसा है, पहला है। और ये सभी प्रश्न एक नंबर के होंगे, यानी जो 20 प्रश्न होंगे सभी एक नंबर के होंगे। इनका उत्तर आपको OMR शीट मिलेगी, आपको उसी में इनका आंसर फिल करना होगा, इनका आंसर आपको लिखना नहीं है। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है, पहला है विकल्प प्रथम स्थान पर, दूसरा है चौथे स्थान पर, तीसरा है छठे स्थान पर और चौथा विकल्प है सातवें स्थान पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था, पहला विकल्प है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है जिम्बाब्वे। तो विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश पर पड़ा था, राइट आंसर है पहला ही ऑप्शन, चीन। इसके बाद अगला प्रश्न है, आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मुगाबे। और प्रश्न संख्या 17 है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या फिर संविधान सभा द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया। अगला है प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प क्या है कि यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है, दूसरा है विकल्प न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता, तीसरा है न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 18 का उपर्युक्त सभी। अगला है बेरोजगारी के रूप में, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम और प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला है प्रश्न संख्या 20, निर्धनों में भी निर्धन कौन है, औरतें हैं कि बूढ़े लोग कि बच्चियां या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा बच्चियां, निर्धनों में से भी निर्धन हैं। तो 20 प्रश्न होंगे OMR वेस्ट, और बाकी प्रश्न होंगे वर्णनात्मक। यहां पर आप देख लीजिए खंड बा में यहां पर 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर पहला है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है, 4 नंबर का प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना है इसका आंसर। और अथवा में भी प्रश्न है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है,
एक प्रश्न का उत्तर देना है, आपको चार नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या दो है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और क्यों, यह भी चार अंक का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चार नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या तीन है, बोल्शेविक और मेंशेविक दल के मध्य क्या बुनियादी अंतर था, और अथवा में भी प्रश्न है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और चार नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या चार है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में अंतर जातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और चार नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर वर्णनात्मक टू के अंतर्गत उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। यहां पर प्रश्न संख्या पांच है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, और अथवा में प्रश्न है, बोल्शेविको ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। छह नंबर का प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और छठा प्रश्न है, मसाई समुदाय के चारागाहों उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। और अथवा में प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपको छह नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या सात है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। अथवा में प्रश्न है, संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, छह नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या आठ है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। और अथवा में है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें। यहां पर पूछे गए हैं प्रश्न, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे आप आठ का उत्तर दें, आठ का जो अथवा है इसका उत्तर दें, आपको छह नंबर मिल जाएंगे। फिर प्रश्न होगा नौ, जो कि होगा मानचित्र से संबंधित। यहां पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में, जो विश्व का रेखा मानचित्र आपको मिलेगा आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में, उसमें आप यहां पर देख पा रहे हैं इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शा, ये सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2, 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहां पर प्रश्न कितने आएंगे, यहां पर पांच प्रश्न होंगे। आपको इन पांचों स्थानों का नाम सहित विश्व के मानचित्र में दर्शाना होगा। और इसके बाद है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो इसको आपको नहीं करना है। तो अब आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगी और जो वार्षिक परीक्षा होगी, आपकी बोर्ड परीक्षा जिसे कहते हैं, और अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसलिए आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा और इसके सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। 20 प्रश्नों का आंसर मैंने बता दिया है, बाकी शेष प्रश्नों का आंसर मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। जय हिंद।